हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉयलर के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बॉयलर माउंटिंग्स। आज हम बॉयलर माउंटिंग्स में देखेंगे फिट चेक वाल्व एंड ब्लो ऑफ कॉक। अब बहुत इजी टॉपिक है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है फिट चेक वाल्व। अब फिट चेक वाल्व जो होता है वो पंप के आउटलेट के बाद और बॉयलर के इनलेट के पहले लगा हुआ होता है, यानी बॉयलर और पंप के बीच में लगा हुआ होता है। अब ये जो फिट चेक वाल होता है वो NRV तरीके का वाल होता है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो पंप से पानी आता है वो बॉयलर में तो जाएगा, पर बॉयलर का जो पानी होगा वो रिटर्न पंप में नहीं जाएगा। इस तरीके की वहाँ पे अरेंजमेंट होती है जिसके कारण बॉयलर का जो पानी है वो बॉयलर में ही जमा रहे, ठीक है। अब दूसरा है ब्लो ऑफ कोक। अब ब्लो ऑफ कोक है वो बॉयलर के नीचे से नीचे पार्ट पर लगा हुआ होता है। तो जब बॉयलर में बहुत दिनों के बाद लूस मड और सेडिमेंट जम जाते हैं तब उसको खाली करने के लिए या निकालने के लिए जो नीचे का वाल होता है उसको खोल देते हैं, तो जिसके कारण जो पानी होता है पूरा बॉयलर में वो एक प्रेशर के साथ नीचे से निकल जाता है बाहर, जिसके साथ जो उसमें सेडिमेंट्स या फिर लूस मड्स होता है वो भी उसमें से निकल जाता है। तो कई बार तो पानी को खाली करने के लिए भी ब्लो ऑफ कोक का यूज़ होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।